राजकुमार ताती के द्वारा पीडीएस पोर्टल पर दुकान बंद रखने की शिकायत के बाद झरिया सीओ सब मार्केटिंग ऑफिसर के एन सिंह ने जांच किया तो सभी 5 दुकान बंद पाया गया। जांच के दौरान वार्ड नंबर 44 के 2 दुकान संजय दास बनारसी साव, वार्ड नंबर 46 के 2 दुकान इंद्रदेव पासवान श्री अस्टोर, वार्ड नंबर 40 के 1 दुकान नंदलाल पासवान का दुकान बंद पाया गया। पार्षद को बुला के ये करवा दीजिए ना सर, जरा नहीं होता तो देखिए नहीं मिलेगा माल इनकी दुकान में। पार्षद तो एडीएम साहब को बोले 2 मिनट हम घूमता ही है। पिछले बार आप आए थे तो वो तो घूम ही रहा था साथ में, वो मोटरसाइकिल से जो घूम रहा था लाल रंग का, तो संजय पासवान नहीं था। देखिए बंद करके माल है ही नहीं उनके पास सर, माल है ही नहीं, सारा माल ब्लैक मार्केटिंग कर दिया। हॉस्पिटल का खेला हुआ है सर, 4 दिन पहले वो भी है और मेरे पास सबसे बड़ा है यूआईडी कंपनी जो बंद रहने के बावजूद। जिस पर सीओ ने कहा कि जांच के दौरान सभी 5 दुकानों का बंद रहना संदेह प्रकट करता है। पीडीएस दुकान को प्रति कार्य दिवस 8 बजे से 2 बजे तक खोलकर रखना है। बंद पाए गए दुकानों पर कार्रवाई होगी। किस मामले को लेकर ये पीडीएस दुकानदार के खिलाफ आवेदक राजकुमार तांती द्वारा शिकायत की गई थी विभागीय पोर्टल पर, तो राजकुमार ताती को साथ में लेकर और जांच किया गया। ये कंप्लेन संजय दास वार्ड नंबर 44, बनारसी सा वार्ड नंबर 44, इंद्रदेव पासवान वार्ड नंबर 46, जयरामपुर सिस स्टोर वार्ड नंबर 46 और नंदलाल प्रसाद वार्ड नंबर 40 के विरुद्ध था। इन 5 के दुकान में भ्रमण किया गया, सभी का दुकान बंद पाया गया। फिलहाल हम अभी इसका रिपोर्ट करेंगे कि बंद पाया गया, बाद में फिर आगे की जाँच की जाएगी। क्या लगता है सर, कहीं जांच को देखकर ये लोग दुकान बंद करके भाग जाते हैं, ऐसा भी कुछ है? बिल्कुल, चूंकि 5 के 5 दुकान बंद पाए गए हैं तो इसकी संभावना है। दुकान प्रतिदिन खोलना है सर? बिल्कुल खोलना है। कब से कब तक सर? 8 बजे से लेकर 2 बजे तक खोलना है और प्रत्येक कार्य दिवस में खोला जाना है। दुकान बंद करके भाग जाना कोई समाधान नहीं है, ये लोग के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।